खबरों की शुरुआत करेंगे। इलाहाबाद के कोतवाली इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की गली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक मोबाइल की बंद दुकान में आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा इलाका धुएं से भर गया। दुकान में आग उस समय लगी जब दुकान को बंद कर उसका मालिक घर जा चुका था। शहर के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आग की सूचना पाते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन जब तक दमकल कर्मी आग पर काबू करते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। दमकल कर्मियों के मुताबिक दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं आग को समय रहते बुझा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। तो बता दें आपको कि भीषण आग लग गई जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई तो बड़ा हादसा होते होते जरूर टल गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इलाहाबाद में आग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, इसकी वजह से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़े हादसे को होते होते बचा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की जब आग लगी थी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मोबाइल शॉप में ये आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया था। हालांकि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गईं और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, आग पर काबू पा लिया गया। ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी ये बताया जा रहा है और मोबाइल की बंद शॉप में ये आग लगी थी। आग उस वक्त लगी जब मोबाइल शॉप का जो मालिक है वो दुकान को बंद करके घर जा चुका था और उसी वक्त इस दुकान में आग लगी। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां जरूर पहुंच गईं जिसकी वजह से आग पर काबू पा लिया गया और जो कारण है आग लगने का वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा है। तो एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त टल गया जब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मोबाइल शॉप में आग लग गई और दमकल की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंच गईं जिसकी वजह से आग पर काबू पा लिया गया, एक बड़े हादसे को होते होते बचा लिया गया। तो इलाहाबाद के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मोबाइल शॉप में ये आग लग गई थी। इस आग के पीछे कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। और हरदोई से हम खबर चल, नाबालिग से रेप मामले पर सियासत जारी है। हरदोई पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, देर रात हरदोई पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। तो बता दें आपको कि हरदोई में जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया गया था उस पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पीड़ित परिवार से पहुंचे हैं, देर रात पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हरदोई और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हरदोई पहुंचे और जो पीड़ित परिवार है देर रात उससे मुलाकात की है। देर रात हरदोई पहुंचे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। बता दें आपको कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। उसकी आंखों को चाकू से निकाला गया था, प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू से हमला किया गया था। इस हैवानियत के बाद सियासत जमकर इस मामले पर हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हरदोई पहुंचे और वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उन्हें न्याय का भरोसा भी दिलाया गया है। देर रात लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे हैं हरदोई में। विनोद हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। विनोद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कल देर रात पहुंचे हैं हरदोई, क्या कुछ हुआ उस दौरान? जी बताना चाहूंगा पार्टी, रात में करीब 11-12 बजे के करीब जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपने दो सहयोगियों के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सोरसा में लुकताना में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद उन्होंने वहां से थाने पर भी गए जहाँ पर उन्होंने पुलिस से भी बातचीत की और मामले की जानकारी ली थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब सुना देते हैं कि आखिरकार लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है। विधानसभा में कानून और व्यवस्था पर चर्चा होनी है, उस चर्चा के दौर में हम इस विषय का भी उल्लेख करेंगे, इस घटनाक्रमों का भी उल्लेख करेंगे और हमारे नेता सुरेश खन्ना जी कल विधानसभा में इस विषय को भी रखेंगे।
और वहीं लोकायुक्त की नियुक्ति पर यूपी सरकार और राजभवन के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजभवन ने एक बार फिर लोकायुक्त की नियुक्ति की फाइल लौटा दी है। राज्यपाल ने अब तक तीसरी बार नए लोकायुक्त की चयन की फाइल लौटा चुके हैं। सरकार ने एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जस्टिस रविन्द्र सिंह को भेजा था। इस बार राज्यपाल ने सिर्फ फाइल वापस नहीं की, उन्होंने मुख्यमंत्री को 10 पन्नों की चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें 30 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष की सहमति से नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित करें। खबरों की माने तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी की कॉपी नेता प्रतिपक्ष और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल से कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित बैठकों में अब तक तीनों पक्ष एक साथ मौजूद नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच क्या पत्राचार हुआ, उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं है। और हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ पीआईएल करने वाले टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया है। विपक्ष इसे जहां तानाशाही का रवैया बता रहा है, तो सरकार ने अपने कदम को सही बताया है। दरअसल सरकार ने हाई कोर्ट में पीआईएल करने वाले उस टीचर को बर्खास्त कर दिया है, जिसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकारी अफसरों, नेताओं, मंत्रियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश दिया था। अब विपक्ष ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी का कहना है कि ये सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। कांग्रेस ने भी शिक्षक की बर्खास्तगी को गलत ठहराया है। वहीं सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। वो मीडिया को सलाह भी दे रहे हैं कि पहले पूरे तथ्यों को जान लें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। उनका कहना है कि इस बर्खास्तगी का पीआईएल से कुछ लेना देना नहीं है और उस टीचर को अनुशासनहीनता के चलते बर्खास्त किया गया है और बर्खास्तगी के कागज भी 5 दिन पहले ही उनके पास आ चुके थे। वो तर्क देते हैं कि दरअसल प्रशिक्षु टीचरों को कोई छुट्टी नहीं मिलती और वो टीचर काफी समय से गायब था। सभी की शिक्षा हो समान, चाहे हो निर्धन चाहे धनवान, और रानी और मेहतरानी का लड़का लड़की जब एक साथ पढ़ेगा तो शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, समानता की भावना भी आएगी और बच्चों में बौद्धिक विकास भी होगा। हाई कोर्ट का फैसला अभी हम लोगों के पास आया नहीं, अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, शायद अब हो जाए। तो फैसला जब आएगा उसका अध्ययन किया जाएगा, तब इस पर कुछ कहा जाएगा। और चलिए बात करते हैं रामपुर की, जहां झूला चौप डॉक्टर ने भरमार हो गई है। यहां उन्होंने पान की दुकानों की तरह क्लिनिक खोल दिए हैं और भूली भाली जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां एक झूला चौप डॉक्टर की वजह से मासूम की हालत गंभीर हो गई। जिले की स्वार तहसील की रहने वाली मासूम आसिफा के गुप्तांक में फुंसी थी, जिसका एक क्लिनिक में इलाज चल रहा था। नाज क्लिनिक की स्वघोषित डॉक्टर नाजमा खान ने उसको गांठ और दो रसौली होना करार दिया और ऑपरेशन की सलाह दी। साथ ही इसके लिए 7,000 रुपए का खर्चा बताया। अपने पैरों पर चलकर इलाज कराने गई आसिफा की इलाज के दौरान इतनी हालत बिगड़ गई कि उसकी हालत मरणासन हो गई। वहीं आसिफा की हालत काबू से बाहर होते देख झूला चाप डॉक्टर नाजमा खान ने उसे कहीं और ले जाने की सलाह दी। इस पर नाराज परिजनों ने उससे 7,000 रुपए वापस मांगे तो नाजमा खान और क्लिनिक का संचालक तबंगई पर उतर आए और उसे वहां से भगा दिया। आसिफा की हालत के चलते परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और इलाज कराया, जहां आसिफा की हालत में कुछ सुधार हुआ। शिकायत मिलने पर जब क्लिनिक का जायजा लिया गया तो नाजमा खान वहां से फरार हो गई। पड़ताल के दौरान मरीजों से ली जाने वाली मोटी रकम का कच्चा रजिस्टर भी मिला है। फैजाबाद के एक परिवार ने पीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये परिवार अपने दामाद के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। इस परिवार की बेटी और उसके बच्चों का शव ओडिशा के जगन्नाथपुरी में एक होटल में बरामद हुआ था और हत्या का शव मृतक अंकिता के पति पर है। शव मिलने के बाद इन लोगों ने ओडिशा पुलिस से मामले का खुलासा करने की अपील की, लेकिन यूपी पुलिस ने सहयोग नहीं करने की वजह से ओडिशा पुलिस कुछ नहीं कर सकी। इसके बाद इन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं मिलने पर कोर्ट ने मुख्य सचिव पर जुर्माना लगाया और मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही। सीबीआई जांच के आदेश के बाद से आरोपी अमित का परिवार लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। फैजाबाद की अंकिता बंसल की शादी मथुरा के
अमित अग्रवाल से वर्ष 2005 में हुई थी। अंकिता के दो बच्चे भी थे। अगस्त 2013 में अचानक पूरा परिवार सहित गायब हो गया और करीब 5 महीने बाद दिसंबर 2013 में अंकिता और उसके दोनों बच्चों का शव उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में एक होटल से बरामद हुआ था, लेकिन उसके पति का शव नहीं मिला, जिससे अंकिता के परिजन अमित पर हत्या की आशंका जता रहे हैं। केस को स्वयं देखे और देखे 1.5 साल हो गए हैं, लगातार 1 साल 8 महीने हो गए हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं लग पाया है। इस केस पे सीबीआई में कोई एक अच्छी टीम गठित करके इस केस की तेज जांच करवाए और अमित के परिवार वाले से मुझे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। कोई किसी आदमी के थ्रू या कभी पुलिस वाले ने ही मुझसे कहा आपकी जान को खतरा है। पीएम मोदी से देश की जनता के को कई उम्मीदें हैं। कानपुर में भी ये उम्मीद नजर आई जब कानपुर में स्कूली बच्चियों ने रक्षाबंधन पर 50 फुट की लंबी राखी बनाई है कि राखी देश के पीएम मोदी जी को भेजी जाएगी। स्कूली बच्चियों ने इस राखी के माध्यम से पीएम से कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। युग दधीची देहदान संस्था की तरफ से मोती झील पार्क में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां सरस्वती स्कूल की बच्चियों ने अपने हाथों से राखी बनाई और मोदी के नाम पैगाम को कानपुर के मेयर जगत वीर सिंह द्रोण को सौंपा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 50 फीट लंबी राखी बनाई है और हम लोग बड़े प्रेम से इसको बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको भी ये राखी हमारी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमारे स्नेह का पवित्र बंधन बंधा हुआ है। उधर जालौन के जिला मुख्यालय उरई में विवादित प्लॉट की पैमाइश के समय उरई सदर के लेखपाल देशराज को गुस्साई महिलाओं ने जमकर चप्पलों से पीटा, जिससे मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार सहित सारे लोग हतप्रभ रह गए। इसी बीच लेखपाल किसी तरह महिलाओं के चंगुल से निकल कर भागा। फोटो मिली नहीं, देखो नीचे करो वरना। प्रतापगढ़ की झाके रहने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र प्रताप एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वो अपने पोते की वजह से सुर्खियों में हैं। राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह के पोते ने नाबालिग नौकरानी की हत्या कर दी और उसके इस काम में सहयोग किया पूर्व मंत्री के रिश्तेदार गुड्डू सिंह और उनके करीबी हीरा यादव ने। परिजन रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत का कारण सामने आया है और गले की हड्डी भी टूटी मिली। इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री का पौत्र चंदन और उसके दोनों साथी फरार हैं। 2 साल पहले आरती को हीरा यादव घरेलू काम करने के लिए लल्लू से बात कर हड़िया ले गया। कुछ महीने उसे पूर्व मंत्री के रिश्तेदार गुड्डू सिंह के यहाँ हड़िया में रखा गया और फिर इलाहाबाद में पूर्व मंत्री के घर आकर झाड़ू पोछा करने लगी। 17 अगस्त को रात में उसके घर वालों को आरती की मौत की खबर दी गई और फिर थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस से उसकी लाश उसके घर आ गई। मृतक आरती के नाक और मुंह से खून निकला था, उसकी गले की हड्डी भी टूटी थी। परिजनों की शिकायत पर चंदन सिंह, गुड्डू सिंह और हीरा यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे लड़की के गला दबा कर मार कर गलत काम कर कर पहुंचा दिए हमारे दरवाजे पर। हमको न्याय चाहिए, हम गरीब आदमी है सर। कोई मुकदमा वगैरह आपने करवाया है? मुकदमा करवाया है, मुकदमा में सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। वही आगरा में कलयुगी शिक्षक की करतूत सामने आई। यहाँ स्कूल के एक शिक्षक ने छात्रा से अश्लील हरकतें और बातचीत की। लड़की के परिजनों की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला आगरा के शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल का है। स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ हिंदी के एक टीचर ने अलग कमरे में बुलाकर अश्लील हरकतें की। छात्रा के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये टीचर छात्रा के साथ कई बार छेड़खानी कर चुका है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी। मैंने पूरे टीटी जोन में 100% कोल और कोक प्रतिबंधित है। संज्ञान में लाया गया है कि कुछ होटलों में ये तंदूर इस्तेमाल होते हैं, इसमें होटल मालिकों
उधर लखनऊ के महानगर इलाके में 8वीं की छात्रा को अगवा कर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी तभी उसे जबरन एक कार में बिठाकर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ एक युवक ने रेप किया। छात्रा की मां का कहना है कि आरोपी के साथ गाड़ी में ड्राइवर समेत 5 लड़के और करीब 4 लड़कियां भी मौजूद थी। बदहवास मिली छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। छात्रा का मेडिकल भी कराया गया है। के साथ किसी एक व्यक्ति ने बलात्कार किया और दोपहर का समय था जब वो घर जा रही थी और उसी बीच में कुछ लोगों ने उसको उठाया और एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया है। महिला का छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है, उसके FIR लिखी जा रही है और सारे तथ्यों की जांच की जा रही है और अभियुक्त जो भी होंगे उनको हम शीघ्र पकड़ लेंगे। उधर मेरठ के भैसाली रोडवेज बस स्टैंड के सामने लाभ महल होटल में एक तांत्रिक ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने महिला को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनाई, इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपए की मांग भी की। पीड़िता ने इस संबंध में सदर थाने में शिकायत की लेकिन 13 दिन बीत जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता SSP ऑफिस पहुंची और इंसाफ मांगा। SP ट्रैफिक ने सदर बाजार थाने को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। रेप का आरोप लगाया है अपने एप्लीकेशन में तो उसमें मैंने अभियोग पंजीकृत करने हैं तो आदेश जारी कर दिया है। थाना सदर बाजार अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे। अब वो लगाया है जो पड़ोस के ही है, उनके घर आना जाना था उसका, उसके ऊपर उस महिला ने आरोप लगाया है रेप का। मुरादाबाद महानगर के मझोला थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब पुरानी रंजिश को लेकर अधिवक्ता और उसके भतीजे को गोली मार दी गई। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक है और उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिवक्ता पर हमले की सूचना पर भारी संख्या में वकील भी घटनास्थल पर पहुंच गए और हंगामा किया, जिन्हें बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शांत कराया। इस पूरे मामले में छात्र नेता आदित्य चौधरी का नाम आ रहा है। प्रदेश में हत्या और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले का है जहां रंजिश के चलते एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपने गन हाउस में बुलाकर अनीश नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। वारदात गुरुवार शाम शहर कोतवाली से चंद कदम दूर विलायत गन हाउस में हुई। उधर कासगंज में मथुरा बरेली मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार युवकों की मौत सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा जाने के कारण हो गई। थाना ढोलाना क्षेत्र के अथैया चौराहे के पास पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जितेंद्र और विकास दोनों युवक कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला सतावी किसी काम से जा रहे थे। और बात आज की गुड न्यूज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान में काशी के 2 लोगों ने नया आयाम जोड़ दिया है। वाराणसी की मात्र इंटर पास इन दोनों लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कचरे से ईंट तैयार करेगी और आने वाले समय में खाद भी तैयार करेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लेबोरेटरी में टेस्ट कर इसे सर्टिफाइड भी कर दिया गया है और अब वाराणसी नगर निगम इस मशीन को कचरा घर में लगाने की तैयारी कर चुका है। देखिए खबर। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वे में बनारस को देश के सबसे गंदे शहरों में शुमार किया गया है, लेकिन इसी शहर में रहने वाले और मात्र इंटर तक की पढ़ाई करने वाले गजेंद्र और धर्मेंद्र जो वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो कूड़े को भी आम जनमानस के लिए उपयोगी बना देगी। कचरे को निगलने वाली इस मशीन की खासियत ये है कि जब इसमें कचरे को डाला जाता है तो ये प्लास्टिक, कागज और हार्ड मटेरियल को अलग अलग कर देती है। ये मशीन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। इस मशीन को तैयार करने में 3 महीने का समय लगा। फिलहाल इन्होंने डेमो के लिए एक मशीन बनाई है। इनका कहना है कि उन्हें ये मशीन बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से मिली। इस तकनीक को BHU की केमिस्ट्री लैब में परखा जा चुका है। खास बात यह है
किस मशीन से किसी भी प्रकार का केमिकल या धुआं नहीं निकलता है। ये बहुत लाभप्रद है क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं आपके कूड़े में मेन डिस्पोजल है और दूसरा कोई यूटिलाइजेशन है। इसके लिए जनरली करते क्या है कि आप किसी डंपिंग ग्राउंड में डाल देते हैं, वहाँ पे सोच सकते हैं कि कल खाद बना सकते हैं, बहुत चीज़ें जला डालते हैं, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि ट्रांसपोर्टेशन भी ना करें, ऑन स्पॉट उसका ट्रीटमेंट करें। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में होता है क्या कि हाई टेम्परेचर पर बर्निंग करते हैं, हम बर्निंग को चर्निंग करेंगे, चर्निंग करके और सेपरेशन, दो टेक्निक जो है मेन, सेपरेशन एंड चर्निंग। सेपरेशन से हम जो फ्लोटिंग मटेरियल्स है, पेपर है, प्लास्टिक अलग कर लेंगे। हम लोग इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि वो जो सिरेमिक्स मटेरियल है उसको यूज करके ब्रिक बना लें। वो ब्रिक बन चुका है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्ट्रांग है। नगर निगम की टीम ने धर्मेंद्र गुप्ता और राजेंद्र कुमार मौर्या की तैयार इस मशीन को देखा है और उन्हें सम्मानित भी किया है। इसके अलावा मशीन की गुणवत्ता और उसके विधि को देखा गया है। उनकी तकनीक को हम इसीलिए हमने उनको सम्मानित किया कि इस छोटी काशी में उन्होंने जो कि कूड़े का समस्या को देखते हुए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये काम शुरू किया। इसको हम एक मशीन बहुत जल्दी एक कूड़े घर में लगाकर इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और निश्चित तौर पर अगर इसमें तकनीकी रूप से ये मशीन ठीक ठाक रही तो हम अपने शहर के सभी कूड़ा घरों में लगाकर कूड़े की समस्या के निदान में एक अच्छी पहल रहेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो ये मशीन हमारे लिए कितनी लाभकारी हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव, प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।